हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति। उत्कृष्ट रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक मुट्ठी चावल से पूरे परिवार के लिए एकदम क्रीमी क्रीमी और गाढ़ी गाढ़ी केसरिया खीर, जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। एकदम यूनिक रेसिपी, वीडियो को पूरा देखें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कुकर। कुकर में मैंने लिए हैं सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी चावल, बाकी मैं हटा देती हूँ। अब इन्हें हम साफ पानी से दो बार धो लेंगे। इन्हें अच्छे से मसलते हुए धोना है ताकि इनमें जो वाइट वाइट पाउडर लगा हुआ रहता है वो निकल जाए। मैंने एक पानी से और धो लिया था। दो बार पानी से धोने के बाद में हमने इनका पूरा पानी निकाल दिया है। अब चावल में हम डालेंगे एक चम्मच शुद्ध देसी घी। कुकर को हमने रख दिया है गैस पर। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। अब हम चावल को अच्छे से सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें सेकना है और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि हमारे चावल जले नहीं। अब धीरे धीरे चावल का पानी सूखता जा रहा है, सूखे सूखे हो गए हैं। अभी और हमें इसी तरह से सेकना है। इनका हल्का सा कलर बदलने तक हमें सेकते रहना है। जब इनका कलर बदल जाएगा, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा कलर चेंज करना है। आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया है, चावल पूरी तरह से सूख गए हैं। अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। खीर तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन इस तरह से खीर बनाकर ज़रूर देखें एक बार। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया खीर बनती है। अब चावल को हम एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसी कुकर में हम डाल देंगे डेढ़ गिलास पानी। तो यहाँ पर मैंने डेढ़ गिलास पानी डाल दिया है। अब साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक से इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब ले रही हूँ मैं एक खलबत्ता। इसमें हम ये चावल जो हमने सेक करके रखे थे, इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे और हल्का हल्का कूट लेंगे। इतना कूटना है कि बस दो या चार टुकड़े हों, बस इतनी देर हमें इन्हें कूटना है। दरदरा कूट लेना है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। चावल को हमने सेक लिया था, इसलिए ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत आसानी से ये कूट करके रेडी हो गए। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने कोर्सली कूट लिया है। पानी हमारा उबाल आ गया है। अब सारे चावल हम इसी कुकर में डाल देंगे और दो सीटी आने तक हमें चावल को पकाना है। एक सीटी आ चुकी है। अब चावल की क्वांटिटी हमारी कम है। अब यहाँ पर मैं टेक्सचर गाढ़ा करने के लिए ले रही हूँ साबूदाने। मैंने यहाँ पर दो चम्मच साबूदाने लिए हैं, आप देख सकते हो। इन्हें अब मैं पानी डालकर 10 मिनट के लिए गला देती हूँ। जब तक हमारे चावल पकेंगे तब तक साबूदाने भी गल करके रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिए केसर। केसर को मैंने पहले से ही दूध में भिगो करके रख दिया था। यहाँ पर मैंने लिए एक कटोरी शक्कर और ये लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स में खोपरा बूरा, किशमिश, काजू, इलायची, बादाम, सभी को मैंने कट करके रख लिया है। आप ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद के डाल सकते हो या कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पर साबूदाने भी गल करके रेडी हो गए हैं और कुकर में दो सीटी आ गई है। चावल भी हमारे अच्छे से पक करके रेडी हो गए। चावल हमारे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पके हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखने लगे। अब इसी चावल में हम डाल देंगे हमारे गले हुए साबूदाने और साथ ही मैं डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 1.5 लीटर फुल फैट क्रीम दूध। मैंने यहाँ पर भैंस का दूध लिया है, आप चाहो तो पैकेट का दूध भी डाल सकते हो। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे। इसे अच्छा गाढ़ा होने तक हमें चलाते रहना है। अभी हमने साबूदाने डाले थे, वो फूलेंगे तो हमारी खीर गाढ़ी हो जाएगी। अब खीर में उबाल आ गया है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे
शक्कर। शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से शक्कर डालें। इसे भी हम अच्छे से चला देंगे। अब हम खीर में डालेंगे सारे ही ड्राई फ्रूट्स। अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पर खोपरा बूरा, ये डाल रही हूँ बादाम, ये जा रहे हैं काजू, ये जा रही है इलायची, साथ ही डाल देंगे हम ये घुली हुई केसर और डाल रहे हैं किशमिश। आपको इनमें से जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद ना हो वो आप स्किप कर सकते हो। अब इन्हें भी हम अच्छे से चला देंगे। और एक सीक्रेट चीज़ बताना मैं भूल गई हूँ, हम इसमें एक अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए और कलर लाने के लिए डालेंगे गुड़। गुड़ से खीर में एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। पर ध्यान रहे फ्रेंड्स, गुड़ हमें जब खीर हमारी पूरी तरह से पक गई हो तभी हमें डालना है, पहले गुड़ ना डालें नहीं तो हमारी खीर फट जाएगी जो फिर स्वाद में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए खीर पकने के बाद में ही हमें गुड़ डालना है। गुड़ हमें थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि हमने पहले से ही शक्कर डाली रखी थी। अगर आपको गुड़ ज़्यादा डालना है तो आप शक्कर की मात्रा कम कर दें। तो लीजिए रेडी है हमारी ये गाढ़ी और क्रीमी क्रीमी केसरिया खीर। अब हम एक सर्विंग बाउल लेंगे और उसमें हमारी ये खीर सर्व कर लेंगे। तो लीजिए मैंने इसे सर्व कर लिया है, बादाम और केसर के धागे से इसे गार्निश कर दिया। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट में ये भी बताएं कि अगली वीडियो में किस रेसिपी पर बनाऊं और अपने सुझाव मेरे साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।